रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। दिस इज अमृत कुमार, गेस्ट फैकल्टी CPPS, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज हम लोग कंप्यूटर का एक टॉपिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे ही यह क्वेश्चन आता है आपके सामने, आपके मन में काफ़ी सारे आंसर्स आते हैं कि कंप्यूटर्स तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, मेमोरीज एक्सेट्रा। बिल्कुल ये आंसर सही है कि कंप्यूटर इन सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके अलावे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो आते हैं सॉफ्टवेयर्स। बिना सॉफ्टवेयर्स के हम लोग कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज़ें आप लोगों ने स्टार्टिंग में बताई या आपके मन में आए कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा एंड सॉफ्टवेयर्स, इन दोनों को ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है कंप्यूटर के कॉम्पोनेंट्स के लिए। इट मीन्स द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज इंटू टू पार्ट्स, नंबर वन हार्डवेयर एंड नंबर टू सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के कॉम्पोनेंट्स को दो भागों में बांटा गया है, पहला हार्डवेयर एंड दूसरा सॉफ्टवेयर। अब हम लोग जानेंगे ये हार्डवेयर क्या होता है। व्हाट इज हार्डवेयर? द फिजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के ऐसे कॉम्पोनेंट्स जो फिजिकल हों, फिजिकल कहने का मतलब यह है कि ऐसे कॉम्पोनेंट्स जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जो जगह छेकता हो, जिनका भार हो, फिजिकल कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं। तो ऐसे कॉम्पोनेंट्स ही कहलाएंगे हार्डवेयर। एंड जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं या प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम लोग सॉफ्टवेयर कहेंगे, अनदर डेफिनेशन सॉफ्टवेयर के लिए आएगा। सॉफ्टवेयर के लिए लेक्चर्स ऑलरेडी दिया जा चुका है, आप उनको दोबारा सुन करके फिर से सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। अब हार्डवेयर के एग्जाम्पल, हार्डवेयर के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको फिर से कैटेगराइज किया गया है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट। नंबर वन इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच आर यूज टू एंटर द डेटा इंफॉर्मेशन सिग्नल इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा या सिग्नल या इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल फॉर इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइलस, माइक्रोफोन, वेबकैम, MICR, OMR, BCR, OCR एक्सेट्रा। नंबर टू आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच आर यूज टू गेट द डेटा इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर से डेटा या इंफॉर्मेशन या सिग्नल को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर एक्सेट्रा। एंड नंबर थ्री सिस्टम यूनिट, अपार्ट फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, द रेस्ट ऑफ द फिजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सिस्टम यूनिट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अलावा कंप्यूटर में बाकी बचे जो फिजिकल कॉम्पोनेंट्स हैं उन्हें सिस्टम यूनिट कहा जाता है। इस सिस्टम यूनिट के अंदर में प्रोसेसिंग डिवाइसेस आते हैं, मेमोरीज आते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस आते हैं एक्सेट्रा। ये थे तीन हार्डवेयर के प्रकार, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सिस्टम यूनिट। आगे कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे जो विगत कुछ एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर? प्रिंटर कितने तरह के होते हैं? आंसर है टू, प्रिंटर दो तरह के होते हैं।
नेक्स्ट, हाउ मेनी कीज आर देयर इन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है 104, 104 कीज होते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू मेजर द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर? मॉनिटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? सही उत्तर है पिक्सल में, मॉनिटर का रेजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सिस्टम यूनिट। सीपीयू इनमें से किसका एक उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सिस्टम यूनिट, ये तीन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है सिस्टम यूनिट, क्योंकि सिस्टम यूनिट के अंदर में प्रोसेसिंग डिवाइसेस आते हैं और सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसलिए सीपीयू सिस्टम यूनिट का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल? पिक्सल का पूर्ण रूप क्या है? पिक्सल का पूर्ण रूप पिक्चर एलिमेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ माउस? माउस को और किस नाम से बुलाया जाता है या कहा जाता है? सही उत्तर है पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इन विच गिव्स द बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी, प्रिंटर और प्लॉटर? द राइट आंसर इज प्लॉटर, प्लॉटर हमेशा प्रिंटर से बेहतर प्रिंटिंग क्वालिटी देता है। नेक्स्ट, एटीएम में किस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है? द राइट आंसर इज थर्मल प्रिंटर, एटीएम में थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस लेक्चर में इतना ही, आगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।